आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। Hello dosto so our question is the focal length of a convex lens made of glass of refractive index 1.5 is 20 cm. So what will be the new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25 and if a focal length is positive or negative then show what does it signify. ओके सो दिस इज यअर क्वेश्चन सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा जैसे हमारे पास फर्स्टली में क्या गिवन है फोकल लेंथ गिवन है कन्वेक्स लेंस की मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज इक्वल टू 1.5. फाइव एंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दैट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके okay. उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? कि इस केस में हमारे पास क्या होगा अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करें फॉर द कन्वेक्स लेंस तो वो क्या होता है वन बाय एफ सी इज इक्वल टू म्यूजी माइनस वन इन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू दिस इज़ द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द कन्वेक्स लेंस ओके तो वन बाई एफ सी क्या है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस म्यूजी क्या है हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फ़ॉर विच फ्रॉम विच द कन्वेक्स लेंस इज मेड म्यूजी माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू ओके सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर वन उसके बाद सेकेंड हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में वट विल वट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ वन प्लेस इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव कि उसके बाद हमने जो एक कन्वेक्स लेंस है इसको एक मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वन पॉइंट फाइव तो उस टाइम फोकल लेंथ क्या होगी तो उस टाइम अगर हम देखें तो वन बाई एफ सी वन बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर हमें लेंस की निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन प्लेस इन मीडियम तो वो हमारे पास क्या होगी म्यूजी ग्लास की डिवाइडेड बाय म्यू एल लिक्विड माइनस वन इन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ये कब आई वन प्लेस इन मीडियम वन प्लेस्ड इन मीडियम जब हमने इसको एक मीडियम में प्लेस किया उस टाइम हमारे पास ये फोकल लेंथ आई उसके बाद हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू से तो हमारे पास क्या आएगा जब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा वन बाई एफ सी डिवाइडेड बाई वन बाय एफ सी एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर आ जाएगा म्यू जी माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू एल माइनस वन ओके यही बचेगा उसके बाद ये हमारे पास क्या आएगा एफ सी एल डिवाइडेड बाय एफ सी इज इक्वल टू म्यू जी माइनस वन डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू एल माइनस वन ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज वन पॉइंट टू फाइव तो यानी लिक्विड या फिर मीडियम दैट इज वन पॉइंट टू फाइव ओके और म्यूजी की वैल्यू कितनी है जो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी 1.5 पॉइंट फाइव इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एफ सी एल डिटेड बाई एफ सी इज इक्वल टू इज इक्वल टू किसकेक्वल आ जाएगा हमारे पास वन यानी पॉइंट माइनस वन क्या होगा पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय म्यू जी बाय म्यू एल यानी वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड वन पॉइंट टू फाइव माइनस वन यानी कि वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट टू फाइव और ये ऊपर जाएगा वन पॉइंट टू फाइव ओके जब हम इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा फाइव बाई टू तो यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड दैट इज इक्वल टू फाइव बाई टू इन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स ओके तो, तो पास है? 5 okay, focal length हमारे पास क्या आएगी फाइव बाई टू इंटू फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस दैट इज गिवन ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिफ्टी सेंटीमीटर या फिर जीरो पॉइंट फाइव मीटर ओके अब जो ये फोकल लेंथ हमारे पास आई है ये फोकल लेंथ क्या है उस मीडियम की या फिर उस लिक्विड की फोकल लेंथ जो हमें निकालना था तो दैट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव मीटर और दैट इज़ इन पॉजिटिव ओके okay. सो so, जो ये पॉजिटिव साइन है सो द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव हेयर इन्होंने बोला था कि बताओ कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है सो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव हेयर उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना था इसमें व्हाट डज इज डिस सिग्निफाई की जो पॉजिटिव फोकल लेंथ है ये क्या सिग्निफाई करती है तो दिस सिग्निफाई दैट दिस सिग्निफाई सिग्निफाई दैट द इमेज फॉर्म्ड